नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स, ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होती है। चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। या दोस्तों, आज हम ग्वार पाठा के बारे में बात करते हैं। ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा के नाम से तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसका हिंदी में ग्वारपाठा ही कहा जाता है। एलोवेरा एक औषधि के रूप में जानी जाती है। इसका उपयोग हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यह एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है और कई रोगों के इलाज के लिए उपयोगी लाई जाती है। दिखने में हरा और किनारे की ओर से कांटेदार आकृति लेते हुए यह एलोवेरा संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम है, जैसे ग्वारपाठा, धृत कुमारी। बहुत से फायदों की वजह से इसे चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है। एलोवेरा से 200 से ज्यादा की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एलोवेरा के पौधे में रस सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एलोवेरा के रस में कई रासायनिक तत्वों के गुण भी पाए जाते हैं, जैसे 18 अमीनो एसिड, 20 विटामिन्स और 20 खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य यौगिक तत्व भी इसमें बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। एलोवेरा के पोषण का महत्व। एक औषधि के रूप में उपयोग में लाए जाने वाला यह एलोवेरा कई पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ होता है। इसमें 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड, 20 खनिज, 75 पोषक तत्व और 200 सक्रिय एंजाइम्स शामिल होते हैं। इसके अलावा कई रासायनिक गुण, खनिज, कैल्शियम, जस्ता, तांबा, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें विटामिन के गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, विटामिन बी 2, विटामिन बी 1, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, नियासिन और फोलिक एसिड शामिल होते हैं। इसके उपचार से हमें कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। शारीरिक उपचार हेतु एलोवेरा के बहुत सारे फायदे होते हैं। एडाप्टोजेन मानव शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने और वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रभाव से तेजी से शरीर में ढाल देते हैं। आज की बिजी लाइफ, बदलते हुए खान पान का सर शरीर हमारा बेडौल होता जा रहा है और यह वायरस से लड़कर कई प्रकार की बीमारियों से शरीर को सुरक्षित रखते हैं। एलोवेरा का जूस आपके शरीर में तनाव से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह आपको बीमारी से राहत दिलाने में आपकी सहायता बहुत ज्यादा करता है, साथ ही मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पाचन क्रिया में सहायक। आपने हमेशा पेट में गैस बनना और खाना ना पचने की समस्या के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे शरीर में पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो तो आप 20 ग्राम एलोवेरा के रस में शहद और नींबू मिलाकर सेवन करें। यह पेट की बीमारियों को दूर तो करता ही है, साथ ही साथ पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। कब्ज की समस्या। यह दोस्तों, यह समस्या हमें अक्सर सुनने को मिलती है। यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। इस रोग को दूर करने के लिए एलोवेरा के रस का सेवन करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। छोटे बच्चों की कब्ज के लिए जूस एवन हींग मिलाकर नाभि के चारों ओर लगा दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा यह यकृत में बढ़ रही सूजन में इसके गुद्दे का सेवन सुबह शाम करने से यकृत के कार्य क्षमता बढ़ती है। इससे पीलिया रोग भी दूर होता है। इम्यूनिटी सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रोग प्रतिरोधता प्रणाली। एलोवेरा पौधे के रस में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोध तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में चुस्ती एवं फुर्ती बनी रहती है। हृदय रोग और मोटापा। आजकल की सबसे और बड़ी जटिल समस्या ये बढ़ता हुआ मोटापा ही माना जाता है, जो हृदय रोग होने का मुख्य कारण बनती है। मोटापे से शरीर में तेजी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और रक्त वाहिनियों में वसा का जमा होता है। ऐसी स्थिति में एलोवेरा का रस बेहद फायदेमंद होता है। एलोवेरा रस रोजाना 20 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर की मात्रा में पीने से शरीर में अंदर से भरपूर तंदुरुस्ती तथा ताजगी का एहसास होता है तथा ऊर्जा का उच्च स्तर बना रहता है।
रहता है। इससे वजन भी शरीर का अनुकूल रहता है। संधि शोथ काफी दर्दनाक होता है। इसमें रोगी के हाथ पैर जोड़ों के दर्द, अकड़न या सूजन आ जाती है। साथ ही जोड़ों के दर्द में गांठें बन जाती है और सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। इसलिए इस रोग को गठिया रोग भी कहा जाता है, जिसका सही इलाज एलोवेरा में पाया गया है। पहले इसके दो फाक कर हल्दी भरकर हल्का गर्म कर लें और फिर प्रभावित भाग पर लगाकर पट्टी कर लें। ऐसा आप लगातार 10 से 15 दिनों तक करें। गठिया रोगों के दर्द या सूजन में आपको काफी राहत मिलेगी। जोड़ों के दर्द में एलोवेरा जूस करना, सुबह शाम खाली पेट करें और प्रभावित जोड़ों पर लगाएं इसे। इससे आपको विशेष फायदा मिलता है। मुंह की सफाई, जख्म और जलन जैसी कोई भी समस्या हो या फिर मुंह पर पड़ रहे छालों को दूर करना है, तो इन सभी समस्याओं में एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए। जख्म या घाव, जी दोस्तों, शरीर में किसी भी प्रकार का जख्म या घाव हो जाने पर एलोवेरा के गुदे को क्रीम की तरह लगाना चाहिए। इसके पत्तों के गुदे में जरा सी पीसी हुई हल्दी मिलाकर इस पेस्ट को एक पट्टी पर लगा ले और फोड़े वह फुंसी पर रखकर पट्टी बांध ले। फोड़ा पककर फूट जाएगा और मवार निकल जाएगा। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर इसमें कोई भी शक नहीं है कि एलोवेरा दुनिया का सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक वाला होता है, जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे शरीर को लगभग 21 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें एलोवेरा से 18 अमीनो एसिड की मात्रा को पूरा करता है। इन गुणों से भरपूर एलोवेरा में सिकोनिम नामक तत्व होता है, जो शरीर की अंदरूनी सफाई को करता है तथा रोगाणु रहित रखने का गुण रखता है। इसके अलावा खतरनाक बीमारियों से निजात भी दिलाता है। यह एड्स जैसी बीमारी में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हमारे शरीर में मोटापा होने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता है। इसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में एलोवेरा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मधुमेह से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप डायबिटीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो 10 ग्राम एलोवेरा के रस में 10 ग्राम केले का रस मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से आपकी डायबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही 20 ग्राम आंवले के रस में 10 ग्राम एलोवेरा के गुदे को मिलाकर प्रतिदिन सुबह सेवन करें, यह शुगर की बीमारी को दूर करेगा। कैंसर से लड़ने में भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। एलोवेरा कैंसर जैसे तत्वों से लड़ने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को खांसी, जुखाम या बुखार 5 ग्राम एलोवेरा के ताजे रस में शहद मिलाकर सेवन कराएं। इससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एलोवेरा के गुदे का सेवन रोज करने से शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। एलोवेरा के खूबसूरत लाभ, कांटेदार पत्तियों वाले इस खूबसूरत एलोवेरा को छीलकर एवं काटकर पहले उसका रस निकाला जाता है। इस रस की 2-4 सुबह खाली पेट लेने से शरीर में शक्ति एवं चुस्ती फुर्ती बनती है। अपने एंटीबैक्टीरिया और एंटीफंगल गुणों के कारण यह घाव को जल्दी भरता है। इससे बाल घने, काले, लंबे और मजबूत होते हैं। एलोवेरा के रस का सेवन रोज करने से त्वचा भीतर से खूबसूरत बनती है और बढ़ती उम्र से त्वचा पर होने वाले कुप्रभाव भी कम होते हैं। फलों के साथ आंवला और जामुन के साथ एलोवेरा का प्रयोग करने से बालों को मजबूती तो मिलती है, साथ ही ये आंखों का भी एक बचाव करती है। एंटी एजिंग जेल, एलोवेरा एक जेल के रूप में कार्य करता है। यह हमारे शरीर के कोमल तत्वों को हानि नहीं पहुंचने देता। चेहरे में इसके जेल का प्रयोग करने से एलोवेरा बुढ़ापा, नजर आने वाले तत्वों को नष्ट कर देता है। एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर की सफाई कर उनमें नवीन शक्ति तथा स्फूर्ति लाता है। एलोवेरा जेल हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शरीर में जाकर सभी प्रकार की कमियों को दूर करता है, शरीर को जवान बनाता है, खिंचाव के निशान को कम करता है, चेहरे में पड़ रहे स्ट्रेस मार्क, चेहरे में बुढ़ापा नजर आने लगता है, त्वचा में झुर्रियां पड़ने लग जाती है। एलोवेरा के रस का सेवन करने से चेहरा दमकने लगता है, झुर्रियां भी दूर होने लगती है। स्ट्रेस मार्क त्वचा से संबंधी अलग अलग तरह के रोगों को दूर करने में एलोवेरा बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। एलोवेरा के गुदे से मसाज करने से त्वचा टोन होती है। इसमें पाए जाने वाला तत्व स्ट्रेस मार्क्स को दूर करता है और बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है।
जिसमें मौजूद एंजाइम खराब हो चुकी त्वचा को हटाकर दूसरी त्वचा को हाइड्रेट करता है। एक आफ्टर शेव के रूप में शेव करने के बाद ज्यादातर चेहरा या तो कट जाता है या फिर जलन होने लगती है। उस समय एलोवेरा जेल का आदर्श आफ्टर शेव लोशन का काम करता है। धूप में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सूर्य की किरणें हमारे चेहरे की त्वचा पर ज्यादा असर दिखाती है क्योंकि हमारी त्वचा काफी नरम और संवेदनशील होती है। एलोवेरा में सूर्य की किरणों से लड़ने की बहुत ज्यादा शक्तिशाली चिकित्सक गुण होते हैं। के हर्बल हमारे चेहरे में एक परत के रूप में कार्य करती है, साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण नमी की कमी की भरपाई करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसीलिए जब भी आप धूप में घर से बाहर जाएं, तो एलोवेरा का रस अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगा कर जाएं। त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर एलोवेरा के एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग उत्पादों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सभी प्रकार की त्वचा के लिए आदर्श माना जाता है। बालों के लिए एलोवेरा आजकल बालों की समस्या को लेकर सभी लोग परेशान रहते हैं। बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, बालों का रूखापन, इस तरह की न जाने कितनी और समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं एलोवेरा के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। आपको इसके लिए एलोवेरा जेल को सिर्फ आधे घंटा लगाना है, इसके बाद आपको सर धो लेना है। ऐसा आप महीने में दो बार करिए, आपको इसके परिणाम खुद ही नजर आने लगेंगे। यह रूखे बालों को ऑयली करता है। बालों का विकास, अगर आपके बाल जड़ से खत्म हो रहे हैं तो इसका रस नियमित सिर पर लगाने से आपके नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। रूसी से छुटकारा दिलाता है। इसका गूदा या जहर को मेहंदी के साथ लगाने से और जड़ों पर लगाएं तो इससे रूसी खत्म होने के साथ ही बाल काले और घने, लंबे एवं मजबूत हो जाते हैं। यह प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में एलोवेरा का जेल बनाकर बालों की जड़ों पर लगाया जाए, इससे बालों में चमक आती है और यह प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। जी हां दोस्तों, बैलेंस पीएच स्तर, यह सिर के पीएच स्तर को संतुलित कर बालों को मॉइस्चराइज करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है। एलोवेरा जेल और लेटेक्स एलोवेरा जेल, यह दो ही बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं। यह जेल खोखली पत्तियों में पाया जाता है और लेटेक्स पत्ती के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। घायल अवस्था में शरीर के अंग में रक्त का प्रभाव जब तीव्र गति से बढ़ता है, इस रक्त प्रभाव को रोकने के लिए, घाव भरने के लिए एवं कई त्वचा रोगों में यह यूज किया जाता है और यह बहुत ज्यादा हमारी मदद करता है एलोवेरा। खुराक और साइड इफेक्ट, जी दोस्तों, यह तो हम जानते ही है कि गुणों की खदान है एलोवेरा, लेकिन जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एलोवेरा पौधे से बनी दवाइयों में औषधीय गुण होते हैं, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यह कई रोगों में बहुत असरदार साबित भी होती है, पर साथ ही यह इसके सेवन से बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और किसी के दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेटेक्स एलोवेरा, एलोवेरा से बनी साबुत पत्तियों के जूस में पाया जाता है, जिसे एलाय लेटेक्स भी कहते हैं। अपने पाचन की क्रिया को सुधीर बनाने के लिए लोग इसे भोजन से पहले पीते हैं ताकि उनका पाचन मौजूद हो और यह कब्जी से दूर रहे। पर आप नहीं जानते हैं, यह उतना ही नुकसानदेह होता है, कहीं आप उल्टे ही डायरिया और पेट में मरोड़ जैसे तत्वों के शिकार न हो जाए। सावधानियां यदि आप बरतेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लंबे समय के लिए इसके रस का सेवन कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां भी आपको बरतने की जरूरत है। इस रस का लंबे समय तक सेवन करने से पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि का बन सकता है कारण। एलोवेरा की तासीर गर्म होती है, इसीलिए गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान इसे लेने से बचना चाहिए। यह बवासीर, जिकर या पित्ताशय से पीड़ित लोगों को इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। एलोवेरा बहुत ही प्राचीन औषधि है जो त्वचा संबंधी रोगों में काफी अच्छी रही है। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनका उपचार डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए और ना कि कोई भी औषधि, एलोवेरा या कोई भी औषधि हो, उसका सेवन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी इलाज कराएं, कुछ मेजर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह से ही कराएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।